स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद तो बढ़ते हैं अपराध जगत की ओर। कटिहार में डॉक्टर से फोन पर रंगदारी मांगने वाले दो व्यक्तियों को महंगा पड़ा। दरअसल पैथोलॉजी में काम करने वाले एक स्टाफ और उसके एक साथी ने मिलकर डॉक्टर से 6 लाख रंगदारी की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटे में मामले का खुलासा किया और दोनों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टर सारा सुल्ताना के पति डॉक्टर वकार से बगल के ही पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले मोहम्मद वसीम और उसके साथी परवेज आलम ने मिलकर रंगदारी मांगी थी। बिहार जिला के सारा सुल्ताना नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर वकार रजा से मोबाइल फोन पर 6 लाख रुपया रंगदारी की मांग अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा की गई थी। इस संदर्भ में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इस कांड में शामिल दो अपराधकर्मी। सत्य प्रकाश श्रीवास्तव हत्याकांड में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हत्या में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गढ़वा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 6 जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक भी बरामद हुए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि सत्य प्रकाश श्रीवास्तव को मारने के लिए जमीन कारोबारी उपेंद्र कुमार ने 1 लाख की सुपारी दी थी। ये आप सब जानते हैं कि दिनांक 12 फरवरी की शाम में रातू थाना के तिरता चौक के मुख्य सड़क पे राजस्व उप निरीक्षक हल्का कर्मचारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जब ऑफिस से निकल रहे थे उन पे अटैक किया गया था और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। और चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण केस था, हाई प्रोफाइल केस था, घटना घट जाने के बाद बहुत प्रेशर की स्थिति थी पुलिस पे और जो हमारे पास सुराग थे, सूत्र थे, एविडेंस 0 था, एब्सोल्युट ब्लाइंड केस था। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण एसपी साहब के नेतृत्व में और इसमें जी हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, ये जो सत्य प्रकाश श्रीवास्तव हत्याकांड में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये 12 फरवरी को इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसके बाद लगातार पुलिस लगी हुई थी। इनको गढ़वा से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब जांच पड़ताल करेगी क्यों घटना, क्यों ये किया गया था। मैं आपको बता दूं कि जमीन कारोबारी उपेंद्र कुमार द्वारा ये सुपारी दी गई थी, 1 लाख की सुपारी दी गई थी। ये जमीन कारोबारी से मामला था, जमीन का कोई मामला था, विवाद था, इसलिए इनको सुपारी दी गई थी। उसके बाद इन्होंने घटना को अंजाम दिया था 12 फरवरी को। पुलिस इसमें तत्परता से लगी हुई थी और देखिए 12 फरवरी घटना हुआ था और अभी ये तुरंत ये हो लगभग 1 साल हो चुके और ये जब से पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जब से ये नए डीजीपी आए हैं बोले हैं कि जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जैसे पिछले इल्जाम लगते रहे हैं उस तरह से नहीं होगा। ये जितने भी केस हैं उसको और 3 जिलों में जो है, रांची, धनबाद और हजारीबाग जो है, 3 जिले में ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग केस, क्राइम केस है। जी कृष्णा, इसमें जो कारोबारी हैं उपेंद्र कुमार जिनका नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने सुपारी दी है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, उन पर अभी तक कुछ कार्रवाई के बाद सामने नहीं आ रही है, पुलिस लगी हुई है। अब जो जिसने घटना को अंजाम दिया था वो पकड़ा गया है, अब उसके बाद पुलिस कल से लग चुकी है। अब तुरंत जो जैसे भी अब देखने वाली बात हुई कितना जल्द उनको गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो भी होगा वो सामने होगा क्यों वो करवाए थे ये सुपारी दिए थे। जानकारियों के लिए शुक्रिया कृष्णा। तो सत्य प्रकाश श्रीवास्तव हत्याकांड में रांची में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर हत्या में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया है।